दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। चलिए पहले क्रम में देखिए, राजगीर के बाद अब पटना में पहुंचेगा हर घर गंगा का जल। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को राजगीर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्वेंशन सेंटर में 4475 करोड़ से निर्मित गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही राजगीर के हर घर में गंगा जल पहुंच गया। वहीं देखिए इसी दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजगीर, गया, बोधगया व नवादा में योजना सफल रही तो शीघ्र ही पटना सहित राज्य के कुछ और शहरों में भी हर घर गंगा जल योजना लागू की जाएगी। वहीं देखिए मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना इस योजना को कार्य रूप देने के लिए कम वक्त के साथ ही कम भी पैसे लगेंगे, वहां के लोगों को 12 मास योजना का लाभ मिलेगा। बाड़ीघर में देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के 20,000 पद और बढ़े, 30 नवंबर तक करें आवेदन। देखिए कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 के अभ्यर्थियों को बड़ी खुशखबरी दी है। आयोग ने जीडी कांस्टेबल 2022 परीक्षा में 20,000 से ज्यादा और रिक्तियों का ऐलान किया है। इस प्रकार बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ और असम राइफल में राइफलमैन और एनसीबी में सिपाही के 45,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एसएससी जीडी 2022 परीक्षा में मुख्य तौर पर 24,369 वैकेंसी घोषित की गई थी, लेकिन एसएससी ने अब जीडी कांस्टेबल के पदों की संख्या बढ़ाकर 45,284 कर दी है। इससे अब 20,000 ज्यादा और अभ्यर्थियों को इस भर्ती परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 परीक्षा में आवेदन के लिए 3 दिन और शेष रह गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 30 नवम्बर 2022 तक अपना आवेदन जमा करा सकते हैं। आवेदन आयोग की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर किए जा सकते हैं। बाड़ीघर में देखिए बिहार के पटना में 5G सर्विस 1 दिसंबर से, भागलपुर समेत अन्य शहरों को करना होगा थोड़ा इंतजार। देखिए भारत की प्रमुख कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी भारतीय एयरटेल अपने 5G नेटवर्क सर्विस को तेजी से रोल आउट कर रही है। 5G की सुविधा से पटना चंद दिन दूर है। अपने नेटवर्क के विस्तार के क्रम में अगले 3 से 4 दिनों में ही पटना जिले में 5G नेटवर्क सर्विस शुरू हो जाएगी। इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। इस तरह एयरटेल बिहार में 5G सर्विस शुरू करने वाली पहली कंपनी होगी। वहीं रिलायंस जियो पटना में 5G सर्विस दिसंबर के अंत में शुरू करेगी, जबकि नए साल में गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया में सेवा शुरू होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 6th एडिशन में आधिकारिक तौर पर भारत में 5G लॉन्च किया था। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में एयरटेल की ओर से 5G सर्विस लॉन्चिंग के बाद जियो यूजर्स को जियो वेलकम ऑफर का आमंत्रण मिलना शुरू हो जाएगा। इस ऑफर के तहत ग्राहकों को अनलिमिटेड 5G डेटा और 1 Gbps तक की स्पीड मिलेगी। इसके लिए उन्हें कोई कीमत नहीं चुकानी होगी। बाड़ीघर में देखिए आसनसोल वाराणसी पैसेंजर 30 नवंबर और 3 दिसंबर को रहेगी रद्द। इंटरलॉकिंग की वजह से रेलवे ने लिया फैसला, यात्रियों को होगी परेशानी। जबकि गया से पंडित दीनदयाल रेलखंड पर चलने वाले आसनसोल वाराणसी पैसेंजर ट्रेन 30 नवंबर और 3 दिसंबर को कैंसिल रहेगी, जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानी होगी। बताया जा रहा है कि धनबाद डिवीजन में इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से शनिवार को आसनसोल वाराणसी पैसेंजर ट्रेन को दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार 30 नवंबर और 3 दिसंबर को भी वाराणसी आसनसोल पैसेंजर ट्रेन रद्द रहेगी, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बाड़ीघर में देखिए 15 और अभ्यर्थियों को पास करने से विवाद तेज। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने कहा सीएम एक्सपर्ट टीम मना कर प्रश्न उत्तरों की जांच करा रिजल्ट, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। देखिए बीपीएससी द्वारा सरस्वती पीटी परीक्षा का परिणाम जारी करने के बाद शनिवार को और 15 अभ्यर्थियों का रिजल्ट देते हुए भी इन्हें पीटी में पास किया गया। वही 15 और रिजल्ट देने के बाद विवाद और गहरा गया। वहीं देखिए बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि बीपीएससी ने बिहार के लाखों युवाओं के भविष्य के जले पर नमक छिड़ने का जैसा काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि हम लोगों ने 9 प्रश्नों के बारे में आयोग को बताया था कि यह गलत है, इसका सोर्स भी बताया था, लेकिन आयोग ने मजाक करते हुए 1 प्रश्न पर यह कहते हुए 15 और रिजल्ट दिया कि इसमें हिंदी और अंग्रेजी में लैंग्वेज प्रॉब्लम था। यह बीपीएससी की तानाशाही है। साथ ही दिलीप कुमार ने कहा कि हमारी मांग है कि जो 9 प्रश्न बीपीएससी ने गलत पूछे हैं उसे ठीक करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाए। बीपीएससी की एक्सपर्ट टीम पर हम लोगों को भरोसा नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नई एक्सपर्ट टीम बनाए, हम उसी पर भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीपीएससी कि उसी टीम ने प्रश्न सेट किया था और गलत आंसर दिया था, आपत्ति के बाद उत्तर बदले गए, अब उन्हें एक्सपर्ट की सलाह पर 15 जेल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री नई एक्सपर्ट टीम बनाकर जांच नहीं कराएंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 29 नवंबर को अभ्यर्थी एक बार फिर बीपीएससी ऑफिस के बाहर आंदोलन करेंगे।
बाड़खर में देखिए पटना सहित 9 जिलों में न्यूनतम तापमान गिरा। जहाँ देखिए पटना सहित राज्य भर में न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। उत्तरी पछुआ हवा की गति बढ़ने पर ठंड बढ़ रही है और इसकी गति धीमी होने पर न्यूनतम तापमान आंशिक रूप से ऊपर चढ़ता है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे की सुबह पटना सहित 9 जिलों में न्यूनतम तापमान में कमी आई है, जिसकी वजह से ठंड में आंशिक बढ़ोतरी हुई है। वहीं देखिए राज्य भर में सबसे ठंडा गया रहा, जहां न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री रहा। वहीं मौसमविदों की माने तो पछुआ हवा की गति कम होने के कारण प्रदेश के कई जिलों के तापमान में आंशिक वृद्धि हुई है। हालांकि आने वाले 3 से 4 दिन में पारे में गिरावट की संभावना है। बाड़खर में देखिए ललन सिंह फिर बनेंगे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। यहाँ देखिए राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। रविवार को जदयू मुख्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य परिषद की बैठक में एक तरह इसकी घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं ललन सिंह को दोबारा जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव रखता हूँ, आप लोगों को यह मंजूर है। इस बैठक में शामिल तकरीबन सभी 500 सदस्यों ने हाथ उठाकर समर्थन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया 4 दिसंबर से आरंभ होगी और 7 को पूरी होगी। मुख्यमंत्री के घोषणा के बाद यह तय हो गया कि ललन सिंह निर्विरोध चुने जाएंगे। अब अध्यक्ष के निर्विरोध निर्वाचन की औपचारिकता का परिवहन 10 और 11 दिसंबर को पटना में होने वाली पहली राष्ट्रीय परिषद की बैठक में होगा। 11 दिसंबर को खुला अधिवेशन है। बाड़खर में देखे नीतीश के सामने उपेंद्र कुशवाहा ने किया ऐलान, मर जाऊंगा पर भाजपा में नहीं जाऊंगा, बिहार में मंत्री नहीं बनूंगा। जहाँ देखिए जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने खुद को लेकर भ्रामक खबरों का खंडन करते हुए कहा कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं मर भी जाऊंगा पर भाजपा में नहीं जाऊंगा और न ही मुझे बिहार में मंत्री बनना है। रविवार को जदयू मुख्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में राज्य परिषद की बैठक के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने ये बातें कही है। इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। वहीं देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने की एक बार पुनः मांग करते हुए कहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की सलाह पर घोषणा की कि पार्टी के सांगठनिक चुनाव पूरा होने के बाद हर सप्ताह वे पार्टी कार्यकर्ताओं से अकेले में भेंट करेंगे। बाड़ीखर में देखे एवरेस्ट तक पहुंचने वाले बिहार के पहली बेटी बने लक्ष्मी, काला पत्थर पीक पहुंचे फहराया तिरंगा। जबकि बिहार के सहरसा का कोसी का इलाका अपने शुरुआती दौर से ही समृद्धि और ज्ञान का भंडार रहा है। यहां से एक और विभूति द्वारा सहरसा और कोसी का नाम देश दुनिया तक पहुंचाया गया है। वही देखिए इसी कड़ी में जिले के बनगांव की बेटी लक्ष्मी झा ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मात्र 9 दिन के अंतराल में नेपाल स्थित काला पत्थर पीक और माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचकर तिरंगा झंडा को फहराया है, जिसके बाद वे एवरेस्ट तक पहुंचने वाली बिहार की पहली बेटी बनी है, जिससे जिले का नाम रोशन हुआ है। बताया जाता है कि लक्ष्मी झा के इस मुकाम तक पहुंचने में उनकी मां सरिता देवी की काफी सहयोग रहा है, जिनकी प्रेरणा एवरेस्ट पर फतह करने में उनका सहायक बनी। दरअसल बनगांव स्थित स्वर्गीय विनोद झा और सरिता देवी के 4 बच्चों में सबसे छोटी लक्ष्मी झा जब बच्ची थी तभी उसके पिता की मौत हो गई थी। रोजी रोटी का कोई सहारा नहीं होने के कारण उसकी मां गांव के ही कोई घरों में चूल्हा चौका संभाल कर परिवार की गाड़ी खींचते रहे, साथ ही 4 बच्चों का पालन पोषण भी करते रहे। वहीं लक्ष्मी ने काफी मेहनत से पढ़ाई कर मैट्रिक और इंटर के बाद बीए की परीक्षा पास की, फिर ग्रुप डी की परीक्षा पास कर पटना स्थित सचिवालय में सहायक कर्मचारी बनी। वर्ष 2019 में उन्होंने सचिवालय में नौकरी प्राप्त किया, जहाँ से वे अपने एवरेस्ट पर चढ़ने की ओर कदम बढ़ाया। बाड़खर में देखिए भागलपुर से खुलने वाले इन ट्रेनों में खाने को मिलेगी मछली चावल और लिट्टी चोखा, IRCTC ने बनाया है खास प्लान। जहाँ देखिए भागलपुर से खुलने वाले लंबे दौरे के ट्रेनों में खाने के लिए अब लिट्टी चोखा, मछली चावल के साथ क्षेत्रीय भोजन और मौसमी फल मिलेगा। पूर्व रेलवे में तैयारी इसकी शुरू कर दी गई है। IRCTC के ट्रेनों में क्षेत्रीय भोजन की प्राथमिकता देने की छूट पिछले दिनों ही रेल मंत्रालय द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि जिन ट्रेनों में यह खास सेवा उपलब्ध होने जा रही है उसमें भागलपुर, गरीब रथ, विक्रमशिला एक्सप्रेस, सूरत एक्सप्रेस, भागलपुर, अजमेर एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्र मेल और LTT एक्सप्रेस शामिल है। देखिए शराब की होम डिलीवरी छोड़ने पर सरकार 1 लाख रुपए देगी, 4 लाख से ज्यादा लोगों को जेल भेजने के बाद नीतीश कुमार की बम्पर स्कीम। जहाँ देखिए बिहार में जो कोई शराब की होम डिलीवरी कर रहा है तो नीतीश ने उनके लिए बम्पर स्कीम का ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि शराब बेचने का काम छोड़ने वाले को राज्य सरकार 1 लाख रुपए देगी। साथ ही देखिए सिर्फ शराब बेचने वाला ही नहीं बल्कि ताड़ी बेचने वालों के लिए भी ये स्कीम चलेगी। अगर वे ताड़ी की बजाय नीरा बनाएंगे तो सरकार उन्हें भी 1 लाख रुपए देगी। नीतीश कुमार ने ये ऐलान तब किया
जब राज्य सरकार बिहार के 4 लाख से ज्यादा लोगों को शराब पीने और बेचने के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। दरअसल नीतीश सरकार ने कल नशा मुक्ति दिवस मनाया। इसी मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी बम्पर स्कीम का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराब के मामलों में पकड़ा तो बहुत आदमी रहा है, लेकिन या तो पीने वाला पकड़ा रहा या फिर शराब बेचने वाला गरीब गुरबा असली लोग पकड़ा नहीं रहे हैं, कुछ ही पकड़ा रहे हैं। मैंने पुलिस वालों और उत्पाद विभाग को कह दिया कि अब असली धंधेबाज को पकड़िए, जो असली गड़बड़ी करता है उसे जेल भेजिए। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि हम अपनी नई योजना बनाने जा रहे हैं, जो कोई ताड़ी या शराब बेच रहे हैं उनके लिए सरकार नया स्कीम ला रही है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में ईंट गिट्टी और सीमेंट 20% तक हुए महंगे, सरिया बालू सस्ता, फ्लाई एस ईंट की कीमत भी बढ़ी। जहाँ देखिए भवन निर्माण सामग्रियों के भाव में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है। इसका असर मकानों सहित अन्य कंस्ट्रक्शन काम में पड़ रहा है। लागत बढ़ती जा रही है। पिछले 2 माह में ईंट गिट्टी सीमेंट के भाव में 15-20% तक की तेजी आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो 2 माह पहले ईंट जहां 16,000 से 18,000 रुपए में मिल रही थी, इस वक्त इसका भाव 18,000 से 20,000 रुपए के बीच चल रहा है। इसी तरह गिट्टी की कीमत भी बढ़कर 9,000 से 9,500 रुपए से बढ़कर 11,000 से 12,000 रुपए हो गई है। साथ ही देखिए सीमेंट के दाम में 1 माह के अंदर 20-30% तक की बोरी बढ़ गई है। जो सीमेंट 400 रुपए प्रति बोरी में बिक रही थी, उसका कीमत अब 430 रुपए तक हो गई है। वहीं दूसरी तरफ राहत वाली बात यह है कि सरिया और बालू की कीमत में 20% तक कमी आई है। बालू की कीमत में 2,000 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई है। घर में देखिए, बिहार में सड़क पर कचरा फेंका तो खैर नहीं, ढोल बजाकर किन्नर समाज को बताएंगे आपके करतूत। राजधानी से शुरुआत। जी देखिए, बिहार की राजधानी पटना में सड़क पर या घर से बाहर किसी भी जगह पर कूड़ा फेंकने वालों को नगर निगम अपने अनोखे अंदाज में सबक सिखाएगा। निगम ने वैसे लोगों की पहचान शुरू कर दी है जो अपने घर का कूड़ा कचरा वाहन में नहीं रखकर घर के बाहर फेंक रहे हैं। जो लोग सड़क पर कूड़ा फेंकते हैं, ऐसे लोगों के कारण निगम क्षेत्र में अब भी कूड़ा पॉइंट बना हुआ है। ऐसे लोगों के घर पर नगर निगम ढोल नगाड़ा बजाकर पूरे मोहल्ले में उनका कराएगा। इस मौके पर किन्नर समाज के लोग भी उपस्थित रहेंगे, जो वैसे लोगों को सबके सामने बताएंगे कि घर के सफाई के साथ साथ आसपास भी सफाई रखें। पहले चरण में 19 वार्ड में यह कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इन वार्डों का चयन कर लिया गया है। गंदगी फैलाने वालों के घर दुकान पर स्टिकर भी लगेगा। नगर आयुक्त निमेश कुमार परासर ने बताया कि दिसंबर में यह कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, देश के राजधानी दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित हुआ दरभंगा, पटना समेत इन जिलों का हाल भी ठीक नहीं। जहाँ देखिए राज्य में प्रदूषण की मार लगातार बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली से ज्यादा प्रदूषण दरभंगा में रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता दें कि दरभंगा में एयर क्वालिटी सूचकांक 424 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिल्ली में 303 दर्ज किया गया है। इसी तरह दरभंगा के अलावा सिवान में 401, छपरा में 342, बक्सर में 386, पटना में 337, मुजफ्फरपुर में 301, समस्तीपुर में 337, सहरसा में 325, भागलपुर में 324, कटिहार में 370, पूर्णिया में 369 और बिहार शरीफ में 332 एक्यूआर रिकॉर्ड किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड के मौसम की वजह से प्रदूषण की समस्या गंभीर हो गई है। वातावरण में बड़ी नमी एवं धूलकण ने एक लेयर बना दिया है। नमी के कारण ही वातावरण में धूलकण फैल नहीं पा रहा है, इस कारण वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।